हेलो। हाँ, हेलो, आपको काम अदा अस्सलाम वालेकुम। कर। मैं इमरान बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ मोहम्मद इमरान रजवी हनफी बरेलवी। अरे हाँ बोलिए। हाँ अबू का मेरे बात करनी थी वही मौजूद पर। अगर कोई कोई इस्लाम से हटकर अगर कोई काम करे जिसको हम फर्जी काम कहते हैं, लेकिन उस पर क्या हुक्म हो? अपॉइंटमेंट आपका है आज का कि नहीं? ये अपॉइंटमेंट भी जरूरी है क्या बात करने के लिए? हाँ, बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं होती भाई। ये कब से चालू हुआ है अपॉइंटमेंट करना? ये तो बीता है, इसका तो अभी उसमें भी कर भी नहीं है। चलो ठीक है, दावा कर दिया, दलील दे दो। अच्छा तो फिर अमल तो तुम्हारे अमल से साबित कर दो, अपॉइंटमेंट बताओ मेरे को अभी से। अपॉइंटमेंट होता क्या ये बताइए तो आप बताइए ना, अपॉइंटमेंट की बात आपने करे ना, भाई। मैंने आपके तो नहीं आपने जब करा। अरे समझा नहीं तो आपने उसको मतलब बिदत कैसे बोल दिया? मेरे भाई, जो कुरान अभी से साबित ना हो तो तुम्हारे नजदीक बिदत है ना, बकौल तुम्हारे। देखो नहीं, हमारे सबसे बकौल पहली ऐसा बात कुछ तो है एक नहीं। काम की बात, आप अपना जो मतलब अपू का बकौल है वो अपने बकौल को हमारे मतलब अपू बकौल पे का डाली दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बात सुने। जैसे तू अपॉइंटमेंट का ऐसे माना शादी क्या होता वालों है में भैया, क्या क्या खाली एक इतना दो बता दीजिए, क्या होता है अपॉइंटमेंट? मेरा भाई तू बता ना, अपॉइंटमेंट की बात तूने करा ना कि मैंने करा? चलिए हम बता देते हैं। देखिए भाई, जब हाँ एक बता इंसान के दे। पास मेरे भाई दुनिया भर से सैकड़ों फोन आते हैं, लेकिन बेचारा वो एक एक से बात मेरे भैया वो एक दिन में नहीं कर सकता, तो जो हमारे स्टाफ के लोग हैं वो सबको मेरे भाई टाइम दे देते हैं कि आप फला दिन फोन कीजिए। ठीक है, अच्छा इसको बोलते हैं स्टेप बाई स्टेप लोगों से बात करने का तरीका, ताकि इंसान से अच्छा आसानी से दिन की बात हो जाए। इसको कहते हैं अच्छा अपॉइंटमेंट हवाला सिस्टम। तो मेरे सब किसी को भी बात हवाला करना होता है तो पहले वो फोन करता है किताब का हवाला, किताब उसके। का ये हवाला। अरे ये किताब थोड़ी ना, ये कोई दुई भाई, ये दीन थोड़ी ना है, ये तो अरे मेरे दुनिया है भाई, अल्लाह जिसका कह रहे भाई। हैं, अब आप हमारा जो डॉक्टर के काम वहां होता है जाएंगे कुरान पहले, हदीस भाई के मुताबिक होता डॉक्टर के है। वहां जाएंगे पहले पर्चा अपना बनवाएंगे ना, या कह देंगे नहीं कुरान हदीस से साबित करो पर्चा बनाना? नहीं तो ये जो तारीख तुमने बयान किया तो इसको जरा अभी से साबित अरे करो आप ना, लोग अभी मेरे भाई कहेंगे जिसका बीमार लोग हो, आप कहेंगे लोग अपना इलाज कराने के हमारे पास फोन करते हो तो पहले डॉक्टर का पर्चा लोगे ना, अपॉइंटमेंट आप लोगे ना अपू कान, मेरा एक सवाल का जवाब इसी भाई। सब से हमारे बाकी पापा है। की मैंने तबीयत ये ठीक नहीं पूछा थी जब तो यहाँ तुम्हारा पे मैं, हड्डी के डॉक्टर थे, बहुत फेमस थे, तो उनका उनका जो नंबर है अपॉइंटमेंट है वो 1 महीना पहले भैया भाई वो जाके उनसे भाई वो लेना पड़ता है। तो अब जितना आदमी अच्छा मेरे भाई फेमस होता है वो तुम्हारे उतनी देर साया में खाने उसका का नंबर मसला है, मिलता है। तुम्हारे तो पास रखो मेरे से इसलिए जो मेरे भाई, मसला पूछा अब जाता है इसका अगर जवाब अगर दो। आपको कोई भी बात करना है बिल्कुल तो ये पूछना अपॉइंटमेंट है आप कि हमारे तुम्हारा स्टाफ जो से नाम अपू लीजिएगा, है तुमने ये जब वो बात आपको मेरी नंबर दे कैबिन देगा के जिस अंदर दिन के, का हेलो उस दिन कॉल कीजिएगा। ठीक है, तुम, हेलो ठीक है भाई। एक मिनट फोन मत काटना अपू खान, नहीं नहीं अपू खान नाराज ना दवाई होइए, वाले सुन मत तो करना। लीजिए। आप मेरे स्टाफ के पास फोन हाँ कीजिएगा, फोन वो मत आपको मेरे काटना, भाई जो भी डेट आपको देगा उस डेट को आपका फिर नंबर तुम्हारे आएगा, में फिर कोई आप कॉल स्लॉट है करके कि आराम शायद से सवाल बरेली से पूछिए बात कर सके? तुम्हारे में इस काबिल भाई। से नहीं है देखिए शायद स्टेप बरेली बाय से बात स्टेप कर बना, सके? देखिए रूल रूल इज रूल। ठीक है, पहले इज रूल, मैं बिदत पे बात कर रहा हूँ पहले तो बिदत के बारे में बात हदीस करना नहीं मेरे आती भाई क्या उसूल का तुम्हारे को? पाबंद होता है। अब हमारा जो मुझे मेरे भाई बिदत जो का लुजी फाउंडेशन माना है बता दे, मेरे उसका ये सिस्टम बन भाई गया बिदत का है लुजी माना कि बता दे जिसका मुझे। नंबर मेरे भाई अपना नोट अपू होगा का डायरी में उससे ही फोन बात बात की करके जाएगी। भागना मत, तू 2-3 दिन से फोन कट करके भाई भाग आप रहा है, दो मेरी गम तीन मत दिन देख करें रहा। या 2-3 साल करते रहे, जिस दिन आपका मेरे भाई अपॉइंटमेंट होगा उस दिन खुद अरे आपके पास फोन जाएगा। ठीक है भाई, अरे तू बरेली से बात नहीं कर सकता अपू खान, आप ये जो अपना बिदत पर मातम बात कर करते रहे रहिए, तू फोन बिना मत काटना। अपॉइंटमेंट के बात हो ही नहीं सकती हमसे भाई। अच्छा तो ये अभी से या साबित तो करो मैं ना आपको अपॉइंटमेंट, अपना अभी दीनी मैं भाई दूसरे समझ से के इतना रिश्ता, एहसान आपके या तो ऊपर फिर कर तुम सकता हूँ? बिदत ही अरे हो, सुनो तो यार, इसलिए फिर ये दावा तुम्हारा अरे झूठ है। तुम्हारा सुनो तो बाबर की दावा दुकान मेरे भाई, मेरी बात सुन सुन तो लो, फिर लो या सुन मैं तो लो सुन तो लो। मेरे को 2-3 दिन ये से पता मैं नहीं, ये तेरी बात समझ सुन नहीं रहा हूँ, आता आज है तू मेरी बात कि सुन रहा है बरेलवी मेरे ने भाई? कौन जो सा सुबह सुबह पुख्ता अमल करके तुम खा लिया है कि कुरान बेचारा वो हदीस से पगला साबित गया नहीं है कर पाए और हो तो भौंके जा इसका रहा है, मतलब भौंके तुम जा रहा है, बिदती भौंके हो, जा रहा है, और भौंके जा तुम रहा है। मेरी बिदत उन अरे गवाह ला सुनोगे लो, कि तुम नहीं? गवाह लो इस इंसान चलिए का भाई, कि तुम आपका फोन जानते काट हो के अपने नंबर साया आपके की ब्लॉक बात कर कर रहा है। देते हैं। आप जिंदगी भर अब आपको अपू कहाँ से खान बात करने के चल लिए ठीक है, तड़पेंगे? जब सुना आपको सुनना ही नहीं है तो बात करके सुना फायदा क्या? आपको सुनना ठीक है, नहीं सुना है? सुना मैं बात सुन रहा हूँ, सुना सुना चल मैं मैं चल ये रहा हूँ कह रहा सुना। हूँ कि भाई आपने फोन किया है ठीक है बिना अपॉइंटमेंट के, चलिए ठीक है, तब भी भाई मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है लेकिन करिए भाई, फिर बात, लेकिन पहले टॉपिक बता दीजिए, और ये लेकिन पहला लेकिन और आखिरी चांस है।
आज आपसे बात हो गई है, अगली बार जब भी आपको बात करना होगा ठीक है, हमारा स्टाफ उठाएगा फोन, आप उसको अपना भाई को नाम बताएंगे, एड्रेस अपना बताएंगे, तो वो जो टाइम आपको दे देगा उस टाइम पे आपको फोन करना रहेगा, अगर हमसे बात करनी है तो, नहीं बात करनी है तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम मेरे भैया हम खुद ही चाहते हैं कि मेरे पास उनके फोन आए जो या तो दिन हमको बता दें या तो हम उनको दिन सिखा दें। हेलो, अभी तो बात कर लो फिर, अपॉइंटमेंट में ले लूंगा बाद में, अभी बात तो कर लो। जी बताइए कौन सी बात करनी है, कौन से टॉपिक पे? हाँ तो मेरा ये कहना था, अगर कोई मुसलमान जैसा दावा करे और वो फर्जी काम करे यानी इस्लाम से अगर कोई काम करे तो शरीयत में उसका हुक्म क्या होगा? ये सब मेरे भाई मुफ्ती से पूछिए, मुफ्ती से। तो मेरे भाई तुम मुफ्ती हो क्या? भाई आप असल में हमको लगे सुबह सुबह भांग भांग करके फोन किए हैं, मैंने कौन सी ऑडियो में बोल दिया कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मुफ्ती हूँ और फतवा देता हूँ? मैंने आज तक कोई फतवा दिया है? बड़े बड़े मुखिया ग्राम पे तो फतवा तो लगाते हो ना, ये मुफ्ती को मारी, तो मुझे ये लगा तुम मुफ्ती होंगे। वो मेरे भाई फतवा नहीं होता है, पहले आप मेरे भाई जाके जो जो तारीफ होती है फतवे की उसको पूछे। मुझे बताओ अगर वो फतवा नहीं होता तो फतवे की तारीफ क्या है वो तुम बता दो यार। मेरे भाई मतलब सबकी तारीफ हम ही बताएं, अपॉइंटमेंट की हम बताएं, फतवे की हम बताएं, आप क्या मेरे भाई खाली वो मतलब टाइम पास करने की कोशिश करते हो? काम होता है सवाल करना, तो सवाल कीजिए ना। आप तो पूछ रहे, आप तो फतवा मांग रहे कि क्या उसके ऊपर हुक्म लगेगा, तो भाई हुक्म हम नहीं लगा सकते। एक नंबर झूठ, ये सबसे पहला झूठ क्या आपने झूठ अभी आपने कहा ना, कोई फर्जी काम अगर कर रहा हो तो क्या उसके ऊपर लगेगा हुक्म? तो मेरे भाई ये फतवा होता है हुक्म लगाना। नहीं हो किसी मुफ्ती से ये सवाल करे तो मैंने ये बोला तुम तो बड़े बड़े उलमा पर फतवे लगाते हो, शिर्क और बिदअत के। फतवे नहीं होते हैं वो, तो हकीकत होती है, हकीकत में फतवे कहना इसको फतवा नहीं बोलते तो क्या बोलते? चलो भाई फिर वही चीज देखिए, हकीकत अलग होता है फतवा अलग होता है, मैं जो बताता हूँ हकीकत बताता हूँ उनके अमाल को अकीदे को देख के। जान दो मेरे को इतना बताइए, अगर कोई मुसलमान होने का दावा करे और उसका अमल कुरान हदीस के मुताबिक ना हो, फर्जी काम करे तो शरीयत का उस पर क्या हुक्म होगा? मुख्तसर सवाल, मुख्तसर जवाब दो। भाई शरीयतन उसको कहेंगे मुकल्लिद। क्या बोलेंगे? मुकल्लिद उसको बोलेंगे क्योंकि उसका दावा तो रहेगा कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन वो ईमान से खाली होगा, अंधा मुकल्लिद होगा, ठीक है गुमराह मुस्लिम होगा। अच्छा मुकल्लिद, मुकल्लिद माना यानी तकलीफ करना, बराबर? यस, वो एक नंबर का जाहिल होता है जो मुकल्लिद होता है। मुझे मुझे तकलीफ की तारीफ कर दो अभी, तकलीफ का लुजवी माना। तकलीफ की भी तारीफ हम करें, मतलब भाई जो अपॉइंटमेंट है उसकी तारीफ हम करें, जो फतवा है उसकी तारीफ हम करें, अब मेरे पे तकलीद आ गया, तकलीद की तारीफ हम करें? कुमार को मुझको करना समझने में जब फाइल सवाल करें। चलिए मेरे भाई आपको बता देते हैं, देखिए तकलीद का माना होता है पट्टा, ठीक है, लुगवी माना जो होता है भाई वो उससे बनता है कलाइदा से, और इसका माना होता है पट्टा, यानी कि अपने इमाम के नाम का पट्टा अपने गले में बांध के इमाम के पीछे पैरवी करना, ये होता है कलाइदा। अब इसकी इस्लाही तारीफ ये है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, ऐसे अमल का नाम है तकलीफ। माना तो बता दो, फिर मैं पूछूंगा इस्लाही माना, पहले लुगवी माना बता दो। बता तो दिया, लुगवी माना, लुगवी माना होता है भाई पैरवी करने के, और इस जो ये अल्फाज बना है इसका माना होता है कलाइदा। अब कलाइदे के दो माने होते हैं, एक होता है हार के, एक होता है पट्टे का। जानवर के लिए इस्तेमाल होगा तो वो पट्टा बन जाएगा, इंसान के लिए अगर इस्तेमाल होगा तो वो हार बन जाएगा गले का। जैसा मेरे भाई जो ये अच्छा, जो ये कलाइदा है ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हार होता है उस हार के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मेरा भाई तकलीफ क्यों माना होता है? लुगवी माना गले या गले का पट्टा, गले का हार या गले का पट्टा, ये लुगवी माना या पैरवी के माना की कौन सी इसमें डिक्शनरी में बता दो जरा। क्या चीज लुगवी माना आपने बताया? तकलीफ का लुगवी माना बताया गले का हार या गले का पट्टा, ये दुरुस्त है, लेकिन ये पैरवी का माना। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ ना, आप मेरे को सुना करो, आप खाली सोचते हो किसी तरह अफू खान का कोई पॉइंट पकड़ के उसको बेइज्जत करते हैं और अल्लाह ताला आप लोग को बेइज्जत कर देता है। भाई स्टेप बाय स्टेप बात कीजिए ना, एक तो बिना अपॉइंटमेंट के आप बात कर रहे हो उसके बावजूद भी मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप बात नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये, मैंने कहा था कि पैरवी जो मेरे भाई जो
तकलीद होती है उसको मेरे भाई आम तौर पे पैरवी बोलते हैं, लेकिन जो ये अल्फाज भाई जो ये बना है कलायदा से, कलायदे का माना होता है पट्टा या तो हार। मेरा छोटा सा सवाल है, तकलीफ का लुजवी मसला क्या है? तो आपका जवाब है सिर्फ लुजवी मसला बता देने का, आपने पैरवी का लफ्ज़ भाई तीनों आपको बता दिए थे। तकलीफ का लुजवी माना होता है पैरवी करना, और जो ये अल्फाज बना है ये बना है उस कलायदा से, कलायदे का माना होता है इंसान के गले में हार या तो जानवर के गले में पट्टा। तुमने तो गले की बात भी नहीं करे, गले का तुम्हें बता रहे, तुमने तो हार और सिर्फ पट्टे की बात करे। यार ठीक से सुना करो, ऑडियो आपकी अपलोड होगी। मैंने खुद कहा है कि हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो जो हार था उसके ताल्लुक से भी आया। तो हार आदमी कहाँ पहनता है, गले में पहनता है ना, या तुम्हारे वहाँ की औरतें पैरों में पहनती है? मैंने पट्टी नहीं पूछा, मैंने लुजवी माना पूछा। अरे भाई आप जितना पूछोगे उतना क्यों ना बताएंगे, हम तो तफसील से आपको बताएंगे ना, क्योंकि आपको समझाना मतलब नहीं है। जो आवाम के पास जो ऑडियो जाएगी आवाम के समझाने के लिए मैं बात करता हूँ। आपको तो समझ में आने नहीं, वो तो मेरे को पता है, लेकिन जो ऑडियंस है जो बात को सुनेगी उसके तो समझ में आ जाएगी। भाई कितनी बार बताएं माने पर तो बात हो गई। भाई किसी भी गहरे नबी की बात को ठीक है बिना दलील के मान लेना, ये सोच के गुमान करके ठीक है हुस्ने जन से कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है जो हनफियों के लिए बन गया है तकलीफ। अच्छा ये कैसे करे, इस्तेलाही माना कैसे करे, वो डिक्शनरी का नाम बता दो। अरे डिक्शनरी से नहीं होती इस्तेलाही तारीफ मुन्ना। हेलो इस्तेलाही माना शरीयत तो में बताओ, इस्तेलाही माना कहाँ से की हो, कौन सी किताब से की हो बता दो मुझे। लुगी माना तो होगा डिक्शनरी, हनफी जो हनफी उसूल की मेरे भाई किताब है ठीक है। मेरा भाई हमारी किताब से क्यों बात करते हो तुम? तो मेरे भाई ये तो अल्लाह की सुन्नत है ना, अल्लाह सुबहान तआला कहता है ना सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में कुल हाथ कुरान तुमकुम सादिकीन, लाओ तुम अपनी तौरात लाओ, जबूर लाओ, इंजील लाओ, देखो सामने खोलो, लाओ मेरे भाई दलील दो। तो हम लोग सामने वाले के मतलब जो घर होता है उससे उसको नंगा करते हैं। मेरे भाई वो तो मुस्लिम से किताब हो रहा था, यहाँ पर बात चल रही है मुसलमानों की, किसकी बात चल रही है? ये जो तकलीद की तारीफ है यही मेरे भाई हनफियों के तमाम आलिम दीन ने बताया है, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, कादियानी हो। तो मेरा भाई नाम तो बताओ, तो किताब का नाम तो बताओ, फिर हमारे को भी इसमें दिख रहे ना। मुसल्लम सबूत इसके लाए माना जो, मेरे भाई इसके लाए माना जो, तुमने झूठ करे मैं बता देता हूँ। इसके लाए माना जी किसी के कौल या फेल को अपने लिए हुज्जत यानी लाजिम मान लेना, उसको कहते हैं तकलीद का सही माना। इसका तकलीद का सही माना किसी के कौल या किसी फेल, तुमने किताब का रेफरेंस दिया नहीं, मैं भी किताब का रेफरेंस दूंगा, पहले तुम किताब का रेफरेंस दो, कहा से तुमने ये तारीफ किए? अरे बता तो दिया भैया। अरे यार तो अरे हनफियों की उसूल की मेरे भाई ये पूरी किताब आती है ठीक है, मुसल्लम सबूत बहुत सारी किताबें, मैं कौन सी किताब में ढूंढू इमाम आजम? अरे बता तो रहा हूँ सुनोगे दद्दा, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो अपने आगे। एक तो बिना अपॉइंटमेंट के फोन किया है, ऊपर से समझा रहे हैं, और उसके बाद सुनने को तैयार नहीं तो बता तो दिया भैया, आपकी हनफी जो उसूल की जो किताबें हैं ठीक है मुसल्लम सबूत उसमें जाके खुल के पढ़ लो। कौन सी किताब? अरे बहरे हो गए हो क्या मेरे भाई, मुसल्लम सबूत किसकी किताब है? मुसल्लम का नाम बताओ। ये हनफी अकाबिरों की किताब है। अरे किताब का हवाला दे रहा है, मैं मुसल्लम का नाम नहीं पता है यार, अफू खान कैसा हवाला दे रहा है? अब मैंने दो बंदियों के अंदर ढूंढना है, जमात इस्लामी वालों में ढूंढना है क्या अपने आपको सुन्नत में ढूंढना, नाम बता देना तो मुसल्लम का पता चल जाएगा क्या वो देवबंदी है क्या वहाबी है क्या सुन्नी है। अरे दोनों तो के नजदीक है यार, फारूक खान साहब को मानते हैं आप? वो इज्जत थोड़ी हमारे लिए, तो फारूक खान साहब आपके मेरे भाई भी पब्लिक में कहते हैं तकलीद की तारीफ जो उन्होंने बताई है, जाके उनसे मेरे भाई पता कर लीजिए यही सेम तारीफ है। देखिए आप लोग का मानना ये है कि हमको मानना ही नहीं है ठीक है, जो इंसान हकीकत में सो रहा होता है उसको हिला के उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा होता है उसको लाल नीचे हिला ले उठेगा नहीं।
तुमने सबसे बड़ा झूठ ये बोला है तकलीफ का लुगी माना, तुमने पैर लिखी भी बताया लेकिन डिक्शनरी का नाम नहीं बताया, कौन सी डिक्शनरी में लिखे अरे भाई कामूस उठा के देख लो ठीक है। तुमको पहली चीज तो अरबी से पैदल हो तुम, तुमको अरबी आती नहीं, तुमको ना मेरे भाई ना तुमको शिर्क की तारीख मालूम है, ना तुमको बिदत की मालूम है, ना अपॉइंटमेंट क्या होता है, ना फतवा क्या होता है, ना तकलीद क्या होता है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तुमने खाली छेड़ने के लिए उंगली करने के लिए फोन किया है। अभी तुमसे पूछ लेंगे कि अभी आपसे एक चीज पूछ लेंगे कि आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला की जो अम्मी जान थी उनका नाम क्या था, तो भी रोंगटे आपके मेरे भैया खड़े हो जाएंगे। आपको अपने इमाम की अम्मा का नाम मालूम नहीं है और दूसरों से पूछते हैं उसका नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, मुसन्निफ का नाम क्या है, फला नाम क्या है, ढमा नाम क्या है, क्या जब खुद नहीं तुमको कुछ, तुमको अपने इमाम की अम्मा का पता नहीं है मेरे भाई, कितनी शर्म की बात है। डूब मरो भाई जिसकी अंधी पैरवी कर रहे हो और सीना ठोक के कहते हो मैं तो हनफी हूँ, मैं तो हनफी हूँ, तुमको अपनी इमाम की अम्मा का नाम नहीं पता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई सीना ठोक के अभी आपने कहा ना मैं हनफी बरेलवी बोल रहा हूँ, तो हनफी हो तो अपने इमाम की अम्मा का नाम बता दो भाई, हम भी जान जाए यहाँ तुम बहुत बड़े इमाम की मतलब मानने वाले पैरवी करने वाले हो। उनका नाम बता दो, किसका नाम बता दे, बोलते मुझे पता नहीं किसका नाम बता, आजम अबू हनीफा का नाम पता नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा। अरे नुमान बिन साबित था, 80 हिजरी में पैदा हुए थे, 150 में उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा कौन थे, आदि थे, ताबईन थे, तबे ताबईन थे, तबे ताबईन थे। अच्छा अच्छा, उसे बचाने वाले सवाल जाके किसी मुठा चूसने वाले बच्चे से पूछना, जितना इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के ताल्लुक से तुमको नहीं पता है, तुम्हारे अल्लामाओं को नहीं पता है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह 100 गुना ज्यादा हमको पता है। ठीक है, सही बोलना चाहिए, बचाने सवाल कोई झूठ की, चलो उनके बच्चों के नाम बताओ, चलो चलो इमाम इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के बेटे का नाम बताओ। अच्छा अगर बता दिया तो बताओ ना, देखेंगे ना। हमारा नाम था, और बेटी का नाम क्या था, बेटी उनके सोनी के एक ही लड़का था, सीरत उनकी उठा के पढ़ तो ये हनीफा कौन थी, हनीफा कौन थी, ये हनीफा तो ये तुम्हें पता नहीं क्या यार, अच्छा कहा ये जो नाम, अब देखो कैसे तुम्हारे दिन जाएगा। हनीफा कौन थी, मेरे भाई हनीफा कोई लड़की नहीं थी, लड़की थी तो माशाल्लाह लड़की नहीं थी, मतलब फर्जी के बन के अबू अब्बू किसके थे, फिर ये हनीफा कौन थे, वो तो लकब था ना अल्लाह के नबी ने दिया था, मतलब जो नबी लकब देंगे उसमें उंगली करोगे, समझना। अबू हनीफा कौन थे भाई, ये हनीफा कौन थी, वो नबी ने दिए थे, अबू तालिब के नबी ने नाम रखे थे। हाँ तो वो तालिब के अबू थे ना, तालिब के नबी ने नाम रखे थे, तालिब के अबू हो गए वो, तालिब के अबू हो गए वो। तो अबू का माना सिर्फ बात के लिए आता है क्या, वो तो कुनियत होती है ना, लेकिन यहाँ पे हनीफा तो उनकी बेटी थी ना, किताबों में लिखा है, पढ़ा नहीं आपने, कोई एक किताब का रेफरेंस दे दे हमारी किताबें से। अरे भाई आपकी किताब में पूरा मसला उतरा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के पास एक औरत आती है, वो कहती है कि जो, सुन लो अब तुमको बता देते हैं, चलो ठीक है अब तुमको सिखा देते हैं, तुमने मेरे भाई सीखने के लिए फोन किया है बिना अपॉइंटमेंट के, तो आज चलो तुमको सिखा देते हैं। देखो ये तो तुम्हारी हजियत नहीं है, तुम्हारी तुम्हारे फारूक खान साहब ने इतने कहा है कि खाली इतने ही कह दो कि आला हजरत ने फरमाया है, कोई कोई मेरे भी दलील उनको नहीं देना है, उनवान से नहीं हटना, ये राय सरकार ने इख्तियार करना, कभी भी बात कर रही माने आपके फारूक खान साहब जो लैपटॉप बाबा हैं, उन्होंने भी हमारे कौन सा अहले सुन्नत वल जमात के मुसल्लिफ ने अपने, उन्होंने भी पब्लिक में कहा है कि कोई भी हवाला ना पूछे, उनके लिए इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, कोई हवाला हवाला नहीं देना है। हवाला आपने कैसे मांग लिया, अरे अब्बू खान जब फारूक खान साहब आप भाई जब आपकी फारूक खान साहब ने बोल दिया कि हम सुन्नी हैं और हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, अब कहाँ फरमाते हैं, कहाँ लिखा है, ये आपकी हुज्जत नहीं है। आपको मुझे ये बता, ये मेरे भाई मतलब ये कौन सी टोपी बात है, आपके मौलाना कह दे कि अल्लाह हजरत फरमाते हैं तो वो बात बिल्कुल हक हो जाएगी, और हम कह दें तो मेरे भाई वो ना हक हो जाएगी, तो ये कौन सा दोगलापन है भाई, पहले दोगलापन से तौबा कीजिए भाई, उसके बाद आगे बात होगी।
आप पहले दोगलेपन से तौबा कीजिए, ये जो मेरे भाई दोगला उसूला आपने बना रखा है पहले उसको छोड़िए, उसके बाद भाई अगली बार कॉल आपने मैं अभी आपको बयान भेज देता हूँ। आपके लैपटॉप बाबा ने खुद कहा है कि हम तो सुन्नी है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, आला हजरत ने फरमाया, तो खाली फरमाया फरमाया बोल के लोगों को अपनी बात बताना है तो हवाला क्यों मांग रहे हैं आप? मेरे भाई बात करने का मौका दे तो जरा क्यों मुझे? भाई आपने झूठ बोला, मक्कारी की, दोगलापन किया, मेरा टाइम आपने वेस्ट किया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लैपटॉप बाबा ने जब ये कह दिया कि हम सुन्नी हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, तो अब आपने ये किताब का नाम कैसे पूछा? नहीं, आपने किताब का नाम कैसे पूछा? आपकी हिम्मत कैसे हुई किताब का नाम पूछने की? आप सुन्नी हो कि नहीं? बरेली कट्टर सुन्नी, पीपीएस कोई शक नहीं, कोई शक करे उसमें। आप है ना सुन्नी है कि नहीं? हाँ या ना बताइए। बिल्कुल पीपीएस कट्टर बरेली सुन्नी। ठीक है, आप पीपीएस से टनाटन शीख है, ठीक है टनाटन शिया है सब पता है मुझे, तो आपके फारूक खान साहब ने बोला है कि हम तो सुन्नी है, सुन्नियों के लिए खाली इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, ना किताब का हवाला देना है, ना मेरे भाई जील का नंबर बताना है, ना सफा नंबर बताना है, सिर्फ इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं। मुझे ये बता खान, मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा नहीं बड़े बड़े सवाल करने के लिए फोन किया करो, ठीक है? अबू खान इलाहाबादी से छोटे मोटे सवाल करने का टाइम नहीं है, बहुत बड़े सवाल पूछा करो। अरे ये छोटा सा सवाल, तुमको ये नहीं मालूम है कि जो हनीफा थी वो कौन थी, ठीक है? और आ गए उमर, किताब का नाम बताओ, मुसन्निफ का नाम बताओ, जिल्द का नाम बताओ, सफा का नाम बताओ, अजीब पागल आदमी है तुम। तो ठीक है, आज से आपको बोलना पड़ेगा इमाम अबू हम्माद, ठीक है? हनीफा कहना छोड़ दीजिए, इमाम अबू हम्माद आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? हनीफा बोलना छोड़ दीजिए। बोलेंगे क्या चाहिए इसमें? अबू हम्माद बोलना क्या भाई, इसमें अबू हम्माद बोलिए ना, तो आपने अबू हनीफा कैसे नाम रख दिया? एक मतलब दोगला उसूल है आपका, मीठा मीठा हफा पाओ, कड़वा कड़वा थूथू, तो मेरे समझ में आ रहा है कौन ऐसा कर रहा था। वो तो मेरे समझ में आ रहा है, आपके जो बड़े बड़े अकाबिर हैं वो कहते हैं कि हम तो सुन्नी हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, तो आला हजरत फरमाते हैं ना, कहाँ फरमाते हैं, क्या किताब का नाम है, राइटर कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम बताएंगे तो आपको सब कुछ चाहिए, तो ये दोगला उसूल क्यों है? आपने फारूक खान साहब से कभी कहा कि नहीं 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 हम सुन्नी है, हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि आला हजरत फरमाते हैं, हमें ये भी बताइए कि कहाँ फरमाते हैं, ये आपने कहा फारूक खान से? जमीन फट सकती है भाई, सुन तो लीजिए। हाँ जमीन फट गई है आपके पैरों, भाई आपके पैरों के नीचे से मेरे भाई जमीन फट चुकी है, अब आप बेचारे पागल हो चुके हैं, दिमाग आपका मेरे भाई एकदम आउट हो चुका है, बाल आप अपने नोच नोच के उखाड़ के फेंकने वाले हैं, क्योंकि आपके फारूक खान ने आपकी बेइज्जती कर दी, फारूक खान ने आपकी आपकी बेइज्जती कर दी, फारूक खान ने लैपटॉप बाबा को जाके 10 जूते मारिए, आज उसने आपकी बेइज्जती की। आप फारूक खान को जूता मारेंगे कि नहीं मारेंगे? हाँ आप मारेंगे कि नहीं उसको जूता? किस दिन आप? चलिए अब मेरी बात को एकदम मेरे भैया अच्छे से ठंडे दिमाग से इंशाल्लाह भाई आप कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है? बोलिए। फारूक खान साहब ने जब पब्लिक में कहा कि हम तो सुन्नी हैं और हमारे लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह के नबी ने मतलब भैया कहा फरमाया, आला हजरत फरमाते थे, सिर्फ इतना काफी है, तो आप लोगों को फौरन रोकना चाहिए था, नहीं फारूक खान साहब आप ये कहेंगे कि आला हजरत फरमाते हैं और कहाँ फरमाते हैं उसका हवाला देंगे, दलील देंगे, तो वहाँ तो आपने उनसे कहा नहीं, वहाँ तो खाली सुबहान अल्लाह और नारे तकबीर स्टार्ट कर दी, और आज हमसे आप मांग रहे हैं कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो ये दोगलापन क्यों किया आपने? ये आपने दोगलापन क्यों किया मेरे प्यारे भाई, जल्दी बताइए, ये दोगलापन आपने क्यों किया मेरे भाई? बता दीजिए ना अल्लाह के बंदे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, आप इंसान में हो सकता है दोगलापन आपसे हो गया होगा। झूठ बोला और झूठ बोलना अल्लाह और उसके रसूल की लानत है उस पर, ये कुरान से साबित है, लानत अल्लाह अल्लाह साबित है। आमीन सुम्मा आमीन। तो फारूक खान साहब को आप जूता कब मारेंगे?
सबसे बड़ा झूठा है ना सुना। अरे भाई फारूक खान साहब ने पूरे सुन्नियों की नाक कटवा दिए, उन्होंने कहा है कि सुन्नियों के लिए इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, कहाँ फरमाते हैं ये नहीं बताना है किसी को। भाई अजीब मेरे भाई, कल से पैदल आदमी आप बात को समझना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। पहले फारूक खान साहब का कॉलर पकड़ के उससे कहिए कि उसने बीच पब्लिक में ये क्यों कहा, उसको घसीट घसीट के मेरे पे तमाचे मारिए, उसने बेइज्जती करवाई हमारे जो हमारे सुन्नी भाई हैं उनकी बेइज्जती करवाई उसने। भाई फारूक खान साहब ने पूरे तमाम सुन्नियों की बरेलवियों की बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी उसने, पहले जाकर उसको कंटा मारिए। देखिए अब ये तो मेरे भाई बात हो गई, अब मेरे भाई जातियात पे हमला कर रहे हैं। देखिए जातियात पे आप ना जाइए, मैंने तो गलत बात नहीं की, आपकी फारूक खान साहब ने सुन्नियों की बेइज्जती करवाई है। और भैया हम मेरे को बड़ा मतलब अफसोस हुआ, हम सुन्नी को अपना भाई मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुद सुन्नी है अहले सुन्नत अहले हदीस, तो इसलिए सुन्नी जो होता है ना वो मेरे भाई दलील देखता है, दलील वो ये नहीं देखता है कि आला हजरत ने फरमाया, अब कहाँ फरमाया, कौन सी किताब में फरमाया, ये सब कोई मेरे भाई बता ही नहीं रहा है, तो ये तो मेरे भाई दुगलापन हो गया ना। नहीं छोटा सा सवाल हो या बड़ा सा सवाल हो, बात इंसाफ की होगी। मतलब फारूक खान साहब ने आपकी जब कह दिया कि हमारे लिए इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, आप लोग को फौरन टोकना चाहिए था, ऐसा है फारूक खान साहब, आला हजरत फरमाते हैं, कहाँ फरमाते हैं, कौन सी किताब है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो आपने उनसे तो पूछा नहीं, और हमसे पूछने किताब का नाम बताओ, मुसन्निफ का नाम बताओ, तो ये दोगे पन के ऊपर मेरा मूड अपसेट हुआ। अपसेट होना चाहिए तो थोड़ा और अपसेट हो गया, मैं क्या बोल रहा था सुन ले तो पहले, ये तूने ये बोला कि तुम्हारी किताबों में लिखे लेके अब अनुमति देती है, तो कौन सी किताब में है उसका रिश्ता। यही तो मैं कह रहा हूँ, सुन्नियों के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आला हज़रत ने फरमाया, कहाँ फरमाया, किताब भी पूछ सकते हो। फारूक खान साहब को आप पहले जाके जूता मारिए ना, फिर हम बताएंगे किताब का नाम। तो ये बात बात में ही ना, पहले तो सवाल किया था अपना। अरे सवाल करने हो जाएगा भाई, देखिए आपके जो मोतबर आलिम दीन है फारूक खान साहब, जब उन्होंने कह दिया कि सुन्नियों के लिए इतना ही काफी है कि आला जन फरमाते हैं, तो बस उनको मैं उतनी बताऊंगा, कौन सी किताब में फरमाते हैं ये थोड़ी ना बताऊंगा। भैया देखिए कुरान की रोशनी में तो बरेलवी लोग हो जाते हैं मक्का के मुशरिक, ठीक है, तो कुरान पे भी आप ना आइए, आपके जाल हक उसके हिस्सा नंबर 2 और सफा नंबर 437 पे उतरा हुआ है कि जो मुकल्लिद है उसके लिए इमाम का कॉल हुज्जत है, तो आपके लिए कुरान हदीस मेरे भाई हुज्जत ही नहीं है। ये तो हमारे लिए, हम तो मानते ना जाल हक को, तो मानते ना हम, जो लिखे हवाले के साथ। हाँ तो जाल हक को आप मानते हैं ना, तो आपकी जाल हक उसके हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 437 पे पहले बता दिया गया है कि मुकल्लिद के लिए इमाम का कॉल हुज्जत है, और आपके इस समय जो इमाम बने हुए हैं वो है भाई वो फारूक खान रजवी शमशीर आला हजरत, जब उन्होंने कह दिया कि हम सुन्नी हैं, हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आला हजरत ने फरमाया, तो आला हजरत ने फरमाया इतने ही काफी है ना, अब वो कहाँ फरमाया, क्या किताब का नाम है, उससे आपको क्या लेना देना। अरे मेरे भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ जितना नुकसान बरेलियों को फारूक खान लैपटॉप बाबर से पहुँचा है, उतना नुकसान किसी से नहीं पहुँचा। फारूक खान लैपटॉप बाबर की जितनी तकरीरें होती है उसको बंद करवाओ, वो आप लोग की बेइज्जती करवा रहा है। फारूक खान लैपटॉप बाबा आप लोगों की बेइज्जती करवा रहा है, उसकी तकरीर करवाना बंद करवाओ, और उससे कहो कि जब तकरीर किया करे तो उसका हवाला दिया करे। ये सब गलत चीज है भाई, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अपनों से आप जीत नहीं पा रहे और मेरे भाई हमारे पास आए अपना जहर बदले। पूछा था इमाम आजम बेटे का नाम था, मैंने जवाब दिया, अबू हम्माद कहो ना उनको, अबू हम्माद कहना शुरू करो, अबू हनीफा क्यों कहते हो। हम तो कह रहे हैं मेरे भाई, चलिए ठीक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की एक बेटी होती है, उसका नाम होता है हनीफा। एक औरत आती है और वो कहती है इमाम साहब से कि मुझे एक चीज जानना है आपसे,
वो आप हमको बता दीजिए कि एक आदमी एक साथ वो चार औरतों से वो शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत वो चार आदमियों से क्यों नहीं शादी कर सकती? तो इमाम साहब कहते हैं ठीक है कल आना मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वो एकदम मतलब भाई वो मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार अब हम कैसे क्या करें क्या बताएं, ये तो मसला बहुत पेचीदा है। तो आपकी बेटी आती है कहती है अब्बू जान क्या हो गया आज आप मतलब बहुत परेशान चल रहे हैं, तो जो उनके अब्बा होते हैं उनको सुन लीजिए सब बता रहे हैं आधी लाइन में और बताए सुन लीजिए और बता रहे हैं। तो बेटी आती है उनकी कहती है कि अब्बू जान आप इतना परेशान क्यों है? तो जो अब्बू जान होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ऐसा ऐसा मसला है। तो जो उनकी बेटी होती है वो इमाम साहब से भी ज्यादा मतलब भाई वो माहिर होती है कयास करने में। तो वो ये कहती है कि ठीक है कल वो औरत आए तो उसको हमारे पास आप भेजिएगा। तो वो कल औरत आती है तो इमाम साहब भाई अपनी बेटी के पास उनको भेज देते हैं। तो जो उनकी बेटी हनीफा होती है वो एक कटोरे में लेके आती है दूध। क्या लेके आती है? दूध। अब उसमें गाय का दूध होता है, ऊंट का दूध होता है, बकरी का दूध होता है, और वो उस औरत से कहती है कि बताओ इसमें कौन सा दूध इसमें गाय का है, कौन सा दूध इसमें ऊंट का है, और कौन सा दूध भाई इसमें बकरी का है। तो वो औरत कहती है नहीं ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो फौरन उनकी जो बेटी जो होती है हनीफा वो कहती है कि हाँ इसी तरीके से अगर आपके एक साथ अगर चार शौहर हैं और आपकी औलाद होती है तो आप उसका बाप कौन है ये आप कभी बता ही नहीं सकती हो। इसलिए इस्लाम में औरतों का चार शादी अलग अलग आदमियों से करना ये बिल्कुल हराम है। तो ये जो मेरे भाई है इस कयास से जो इमाम साहब से बहुत खुश हुए और लोगों को पता चला कि अरे माशाल्लाह जो हनीफा है उसने बहुत बढ़िया कयास कर दिया। तो लोगों में ये नाम मेरे भाई फेमस हो गया अबू हनीफा, यानी कि जो नुमान बिन साबित थे वो अपनी बेटी के नाम से जाने लगे, उनकी पहचान बन गई अबू हनीफा। भाई ये तो हनीफा जब्बा है। तो ये सब मसले चल रहे हैं, इसके भी हवाले भेजना शुरू करूंगा, स्कैन भेजना शुरू करूंगा तो हालत टाइट हो जाएगी आपकी। ये हनफियों की मौत पर किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अब आप लोग कहते हो कोई बेटी नहीं थी। तो जब बेटी नहीं थी तो ये अबू हनीफा दास बन गया। नहीं, ये सब नहीं होगा। फारूक खान साहब ने कहा है सिर्फ इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं या अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिर्फ फरमाने वाला यहाँ काम हो रहा है, दलील नहीं देना है। जाइए भाई फारूक खान लैपटॉप बाबा को झूठा मारिए भाई आप, फिर उसी ने आप लोग को भाई नहीं भाई उसी ने फंसाया आप लोग को। हम दलील नहीं देंगे सुन्नियों को, सुन्नी के लिए इतना ही काफी है कि फरमाते हैं बस। अब कहाँ फरमाते हैं वो उज्जत नहीं है। अरे आप कैसे हवाले से बात कर सकते हैं? जाके फारूक खान को मेरे भाई जूता मारिए ना कि क्यों उसने ऐसी बात बोली। फारूक खान साहब ने सुन्नियों की नाक कटवा दी, उसने खुद कहा कि सुन्नी के लिए इतना ही काफी है कि फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, बस इतना ही काफी है, दलील नहीं देना है। दलील बिल्कुल नहीं देना है। फारूक खान साहब ने आपके मना किया है तो मैं आपकी बात मानूं या आपकी फारूक खान साहब की बात मानूं? आप बता दो। बिल्कुल मेरे भाई, भाई वो सुन्नियों के ठेकेदार बने हुए सूरमा बने हुए, तो जो वो बोलेंगे भाई उनके हिसाब से बात करेंगे ना। आपके लिए हुज्जत है कि नहीं? आपके लिए हुज्जत है कि नहीं? मैंने तो नहीं मिला कुरान हदीस इजमा का या ये चीज हमारे लिए हुज्जत है। तो फारूक खान आपकी नजर में क्या है, आलिम है कि नहीं है? फारूक खान आपके लिए आलिम है कि नहीं है? अरे मेरे भाई अभी तो हुज्जत की बात चल रही थी, अभी तो आलिम तो आ गया था। सवालों का जवाब आलिम आप उनको मानते हो कि नहीं? मैं तो बड़ा फारूक खान रज़वी की मैं पूरी बात करूंगा, पहले मुझे ये बताओ फारूक खान रज़वी का पहले मेरे भाई प्रोग्राम करवाना आप एकदम बंद करवा दीजिए, ठीक है? और उससे कहिए कि आवाम में ये माफी मांगे कि नहीं सुनने के लिए मेरे कोई दलील तब हम दलील देंगे ना। जलजला भाई देखिए जलजला नहीं है कुछ, ये सब असल में आप लोग की टोपी
आप लोग की टोपी आपके सर पे मेरे भाई फिट नहीं हो पा रही है। आपने लंबा लंबा बोल तो दिया आपके फारूक खान साहब ने, असल में फारूक खान के पास मेरे भाई दलील तो है नहीं, तो उसने अपने मानने वाले अन्य मुकल्लिदों को एक चूरन दे दिया कि हमको सुननी है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि आला हजरत फरमाते हैं, तो बस ठीक है फरमाते फरमाते होगा। अब कहीं ना तो किताब का नाम बताया जाएगा, ना उसका जिल्द नंबर, ना उसके राइटर का नाम, ना उसका भाई उसका पेज नंबर, कुछ नहीं बताया जाएगा। अरे भाई आप फारूक खान से जाके भिड़िए ना, मेरा टाइम क्यों पास कर रहे हैं? अरे भाई तेरा टाइम पास नहीं कर रहा मैं, मेरे सवाल का एक तो बिना अपॉइंटमेंट के आपने फोन किया, ऊपर से आप फारूक खान साहब की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को लग रहा मेरे कोई मानते नहीं है सुननी। अगर आप वाकई सुननी होते तो फारूक खान साहब ने कहा था कि हम तो सुननी है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। अब कहाँ फरमाते हैं ये हुज्जत नहीं है आपके लिए, ठीक है? मेरे भाई हेलो आपको जान ये तबियत नहीं, ये तबियत होगी, कभी तू बोलता है मैं कुरान हदीस की बात करता हूँ, कभी बोलता है हवाले नहीं देता हूँ, ये तो तबियत होगी। भाई मैं सुन्नियों को हवाले कोई नहीं देता हूँ, क्योंकि सुन्नी के लिए हुज्जत नहीं है ना भाई। हमारा जो भी जिस दिन आपका फारूक खान बोल देगा कि नहीं हम सुन्नी है, हमारे लिए फरमाते हैं और कहाँ फरमाते हैं ये दोनों हुज्जत है, तो हवाला आपको दे देंगे ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो भी मुझे पता। अरे भाई ये सब बकवास बातों से कोई फायदा नहीं है भाई। भाई नींद आ रही है, आपको कोई काम की बात करना है कि नहीं? करना है भाई, अब सुनने के लिए क्या बचा है भाई। अब आप एक काम कीजिए, फारूक खान साहब को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि आपने जो कहा था कि हम सुननी है, हमारे लिए जो दलील है, जिस नंबर है, किताब का नाम है, ये नहीं हुज्जत है, हमारे लिए खाली इतना हुज्जत है कि आला हज़रत फरमाते हैं। अब कहाँ फरमाते हैं ये उनको मालूम नहीं, तो भाई मेरी इससे क्या गलती है? चलिए रखिए भाई।